ऑब्जेक्ट को बार बार दिखाना, बार बार उसके बारे में बताना, या एक समय पे ही दो वीडियो अपलोड होना, या फिर वीडियो कब अपलोड करें और कैसे वीडियो अपलोड करें, मैं आपको सब जानकारी दूंगा। कभी भी एक तो वीडियो में जो यूट्यूब पर गाने होते हैं, गाने ना लगाएं, गाने क्लिप लगा देते हैं छोटी छोटी, तो आप उनको पहले फ़िल्टर करें उसके बाद यूज कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट ना लगाएं कभी भी, उससे कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे। कॉपीराइट आने के बाद जो आपको इनकम होगी वीडियो से वो आपको नहीं मिलेगी। जिस भी जिसकी भी उसमें साउंड लगी है, जैसे कि मानो आप एग्जांपल एक गाना कि आपने लगा दिया मित्र दी छतरी, तो आपको नई इनकम आएगी, वो डायरेक्टली इनकम जाएगी जो सिंगर है उनको। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए ये सब ना करें, अपने रियल वॉइस में ही वीडियो बनाएं और अपने रियल वॉइस में ही वीडियो डालें, और बार बार एक ही बात का ध्यान और रखें। जब आप एडिटिंग करते हो तो एक जैसी वीडियो में एडिटिंग ना करें, बार बार सेम एडिटिंग, तो इससे भी काफ़ी इशू आते हैं कॉपीराइट के। इससे बचने के लिए आप बार एक काम कर सकते हैं कि आप जिस किसी की भी यूज़ करते हो ऐप को, उस ऐप में बार बार एक ही जैसी एडिटिंग कर कर सेम एडिटिंग कर कर वीडियो अपलोड ना करें। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपका अकाउंट भी यूट्यूब से डिलीट हो सकता है। मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये सब जानकारी दे दूं, और अब मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, हस्तनापुर के पास पड़ता है पाली गांव। मेरी ये उम्र 24 साल है। मैंने काफ़ी वीडियोस बना लिए हैं अब तक, करीबन मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े होंगे 180 वीडियोस। तो मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस, और